भिवाड़ी में लघु उद्योग भारती भिवाड़ी शाखा का पुनर्गठन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम जी ओझा द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। श्री जे एन सोंधी अध्यक्ष, श्री सुमित गुप्ता सचिव व श्री संजय खन्ना कोषाध्यक्ष के रूप में घोषणा की गई। इस अवसर पर श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब, राष्ट्र संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती ने सभी उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित व मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार से भारत सोने की चिड़िया थी और करीब करीब विश्व की 50% से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता था और यही से निर्यात होती थी पूरे विश्व भर में। उसी क्षमता को पुनर्स्थापित करना है, लघु और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से ये संभव है। निवर्तमान अध्यक्ष श्री प्रवीण लांबा ने अपने पिछले 4-5 साल के कार्यकलापों की जानकारी दी और सभी ने लघु उद्योग भारती के कोविड-19 कॉल में जो सेवाएं प्रदान की गई उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम जी मित्तल ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर श्री सुधीर गर्ग जी, जयपुर अंचल अध्यक्ष, ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित अलवर, खैरतल और रेवाड़ी से भी लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी आए हुए थे। भिवाड़ी जिला संघ चालक श्री विपिन चौधरी जी इस मौके पर उपस्थित रहे। भिवाड़ी के लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष अमित यादव वानी का भी स्वागत किया गया। लघु उद्योग भिवाड़ी, लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन हरीश जी गौड, पूर्व अध्यक्ष लघु उद्योग भारती द्वारा किया गया। लघु उद्योग भारती ने कोविड कोरोना काल के दौरान इंडस्ट्रीज की जहां तक मदद हो सकी पूरी प्रयास किया उसको करने का। उस समय श्रमिकों को लेकर, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, श्रमिकों में एकदम से भय का माहौल व्याप्त हो गया था, लेकिन भिवाड़ी के अंदर लघु उद्योग भारती ने के प्रयास से कोई भी श्रमिक सड़कों पर नहीं आया। उनको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, क्योंकि कोरोना काल से इंडस्ट्रीज पैनिक दौर से निकल रही हैं और जो भी इश्यूज हैं, जैसे इन दिनों में आजकल बिजली को लेकर बहुत समस्या चल रही है राजस्थान के अंदर, हम अपने लघु उद्योग भारती की जो हमारी सेंटर की इकाई है उसके माध्यम से भी हम इस तरीके के जो कार्य हैं उनको करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज को दिक्कत ना आए। GST के अंदर बहुत से इश्यूज होते हैं, वो भी हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से करवाने का प्रयास करते हैं। तो छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पर हो सकते हैं, उसके लिए हमारी टीम सक्षम है और इन कामों को करवाने के लिए। कोई पता है, कानपुर की एक टीम आई थी जिसने यहाँ पे सर्वे किया था और उस सर्वे में उस टीम ने क्लियर ये लिखा था कि जो 48% पोल्यूशन है वो ड्यू टू डस्ट है, और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन केवल और केवल 20% है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब PNG की वाई जो जिससे जिन इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है उसमें से 90% इंडस्ट्रीज़ PNG पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, और हमारा प्रयास रिक्को के माध्यम से जो हमारे यहाँ के रोडों के हालात हैं, जो नालियों के हालात हैं, उसको ठीक करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि इस पोल्यूशन पे काबू पाया जा सके। पानी की बहुत समस्या होती है, इंडस्ट्री जो पानी निकलता है उसका भी काफ़ी समस्या होती है, बार बार सामने आता है, उसका क्या प्लान रहेगा, किस तरह से? देखिए, सरकार द्वारा 140 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया गया है जिसके अंदर से जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है वो डायरेक्ट CTP तक जाएगा और CTP से ट्रीट होकर उस पानी को वापस इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। जो हमारी पानी की एक समस्या है इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जो स्ट्रॉम वाटर है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, भिवाड़ी से धारोड़ा की तरफ करीब 14 मीटर का स्लोप है, उस दौरान वो पानी जो निकलता है और ऊपर भिवाड़ी जो 14 मीटर के स्लोप से पानी आता है वहाँ अगर एक बूंद भी गिरती है तो वो शाम तक बहता हुआ सारा टोट्स हरियाणा की तरफ जाता है। तो उसके लिए तो देखो ये सरकारों का वो है, दोनों हरियाणा राजस्थान की सरकारें मिलकर इसके ऊपर प्रयास कर रही हैं और जल्दी समाधान को भी निकाल लिया जाएगा। नई प्लानिंग क्या रहेगी अब आने वाले समय में? आने वाले समय में देखो, सबसे पहला प्लानिंग तो हमारी लघु उद्योग भारती की इस कार्यकारिणी के माध्यम से मेंबर्स को बढ़ाना है, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा है, भिवाड़ी के अंदर 6000 इंडस्ट्रीज और आज मात्र हमारे पास 140 मेंबर हैं। हमारा प्रयास, सबसे पहला प्रयास है कि हम अपनी मेंबर संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाएं, जिससे कि इंडस्ट्रीज को अधिक से अधिक फायदा मिल सके और उनके लिए काम करेंगे। हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ स्टेट कार्यकारिणी की जो टीम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। लघु उद्योग भारती सूक्ष्म व लघु उद्योगों का देशव्यापी सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में पूरे देश में 500 से अधिक जिलों में हमारे 632 इकाएँ कार्यरत हैं। लघु उद्योग के सामने जो दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए
ये संगठन कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से भिवाड़ी में भी हमारा संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ जिस प्रकार का पोटेंशियल यहाँ है, जैसे हम यहाँ बताया गया 6,000 से अधिक उद्योग यहाँ कार्यरत है और दिल्ली के बहुत पास में नज़दीक है, तो यहाँ भी अनेक समस्याएँ हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण हो और आने वाले समय में हमारा MSME सेक्टर है जो देश का महत्वपूर्ण सेक्टर है, ये आगे बढ़े और देश के योगदान में इसका सर्वाधिक योगदान बना रहे। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का, इसको लेकर लघु उद्योग भारती बहुत बड़ा कार्य कर रही है। हम लोगों ने देश के लगभग 100 स्थानों पर रोजगार सेंटर शुरू किए हैं और उसके माध्यम से अब तक लगभग 20,000 से अधिक नए उद्यमी तैयार किए हैं और उनको रोजगार जोड़ा है। इसी प्रकार से अभी पिछले बजट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि डिफेंस सेक्टर में 68% प्रोक्योरमेंट स्थानीय उद्योगों से किया जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप है। लघु उद्योग भारती DRDO के सहयोग से जगह जगह पर एक इस प्रकार के डिफेंस एक्सपो लगा रही है कि हमारे सरकार की क्या रिक्वायरमेंट है, डिफेंस सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे MSME सेक्टर से किस प्रकार से हम उनका सप्लाई कर सकें, इसको लेकर क्षेत्रों का लघु उद्योग भारती काम कर रही है। भिवाड़ी में इस तरह का कोई प्रोग्राम होने वाला है क्या, जो एक्सपो जो आप बता रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे सभी शहरों में जहाँ MSME उद्योग कार्यरत है उनके काम को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के एक्सपो भी है, एग्जीबिशन भी है। हम लोग स्वयंसेवा के नाम से, इंडिया इंडस्ट्री फेयर के नाम से, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के नाम से करते रहते हैं। तो भिवाड़ी में भी इस प्रकार का शोक हमारे यहाँ स्थानीय उद्यमियों के शोक से करेंगे और हमारे लिए भिवाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भिवाड़ी एकदम दिल्ली से सटा हुआ है, तो बिल्कुल एक दिल्ली के दिल्ली का मुकुट है और राजस्थान का सिरमौर है। तो निश्चित रूप से भिवाड़ी के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम हम लोग करने की प्लानिंग हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। टीम की नई कमान आपको मिली है और जो पिछले कार्यकाल में जो लघु उद्योग भारती ने जो काम किया है, इस बार आपका क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरह से भिवाड़ी में आप काम करेंगे? मैं पिछली टीम के साथ भी सचिव के पद पर था, तो जो भी कार्य हुए सब में हमारा योगदान रहा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पिछली टीम ने हमें कार्य किए, जो कुछ अधूरे रह गए, कुछ पूरे नहीं हो पाए, उनको पूरा करें और जो कार्यक्रम चल रहा है उसको यथावत चलता रहने दें। और इसके साथ साथ मुझे बार बार ये लगता है कि भिवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी जो समस्या या कहें कि एक जो बुराई चिपकी हुई है भिवाड़ी के साथ कि हमेशा भिवाड़ी का नाम पॉल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, तो मैं भाई सब लोग आए हुए हैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि कुछ ऐसा करें हम कि जिससे भिवाड़ी को ये पॉल्यूशन से निजात मिले और हम एक साफ़ सुथरी भिवाड़ी का नाम आ गया है कि हाँ भिवाड़ी साफ़ है, हरित भिवाड़ी है, साफ़ सुथरी भिवाड़ी है, ना कि पॉल्यूशन में जब भी नंबर आए तो भिवाड़ी नंबर वन है, ऐसा नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इंडस्ट्री की तरफ से भी क्या कर सकते हैं हम और सरकार की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या हो सकता है उस पर प्रयास करेंगे, इंडस्ट्री के हक में जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान हो तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारी कोई नंबर गेम नहीं है कि कौन पहले नंबर पर है, कोई दूसरे नंबर पर है, तो हम उनके साथ मिलके जहां उनको हमारा सहयोग चाहिए होगा हम देंगे, जहां हमको उनका सहयोग चाहिए होगा हम उनका सहयोग लेके इंडस्ट्री के हित में जो भी काम होगा वो करेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए। कुमार गर्ग है और ये जयपुर संभाग है, उसका अध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेदारी है और हमारे जयपुर जो संभाग है उसके में भिवाड़ी का, जैसा अभी बताया कि भिवाड़ी का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो देश भर के देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ औद्योगिक क्षेत्र है और जिसके उद्योगों का दिल्ली पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो दिल्ली में जो बैठी सरकार है वो भिवाड़ी के उद्योगों को सीधे सीधे देखती है और देश भर के उद्योगों के लिए वो एक प्रेरणा रही है। यहाँ से जो है हमारी इकाई और हमारा संगठन यहाँ भिवाड़ी में मौजूद होता है तो निश्चित है कि पूरे देश भर में उसका सकारात्मक प्रभाव जाएगा और हम उस नाते ही भिवाड़ी के अंदर विशेष रूप से आगे इस काम को बढ़ाना चाहेंगे। भिवाड़ी इकाई जो है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो जयपुर संभाग है उसके 11 जिलों में भिवाड़ी इकाई सर्वोच्च इकाई हो, सबसे ऊपर जो रहे और उसके लिए मेरी जो नई टीम हमारी उसने इसका बीड़ा भी उठाया है और निश्चित है वो टीम आगे बढ़ाएगी इस काम को और इस संकल्प को पूरा करेगी। धन्यवाद।